हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम। इस वीडियो में मैं आपको दीपावली के बारे में बताऊंगा। हमारी जीवन में प्रकाश फैलाने वाला दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। इसी दिन भगवान राम राक्षसों के राजा रावण का नाश करके लंका से अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन सभी अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, घरों में रंगोली बनाते हैं और फूलों से सजाते हैं। दीपावली को दिवाली भी कहते हैं। दीपावली का अर्थ होता है दीपकों की माला। दीपावली के अवसर पर बहुत सारे दीपकों, बल्बों, मोमबत्तियों एवं झालरों की रोशनी अमावस्या की काली रात को प्रकाश से भर देती है। इस दिन रात्रि के समय मां लक्ष्मी का पूजन होता है। माना जाता है कि इस दिन रात को मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लोग अपने मित्रों के यहाँ मिठाई देकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। दिवाली सभी बच्चों के लिए खुशी और आनंद के क्षण लाता है। बच्चे पूरे साल इस त्यौहार के आनंद का इंतजार करते हैं। वे इसे मनाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वे इस दिन बहुत मस्ती करते हैं। बच्चे दिवाली पर शाम के समय अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ पटाखे जलाने का आनंद लेते हैं। पटाखे अपने माता पिता की देखरेख में ही जलाना चाहिए, क्योंकि कोई नुकसान या दुर्घटना हो सकती है। दीपावली का पर्व हमें यह संदेश देता है कि अपने अंदर के अंधकार यानी बुराइयों को समाप्त करें और हम प्रकाश यानी अच्छे गुणों को अपनाएं, जिससे हमारे जीवन में सुख और आनंद हो। माँ लक्ष्मी हम सबको अच्छाई की तरफ प्रेरित करें। इसी के साथ आप सबको शुभ दीपावली।